अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। ये कहावत भिंड के विकास खंड के भाटमासपुरा गांव के 58 किसानों पर चरितार्थ हो रही है, जिनकी 200 हेक्टेयर से भी अधिक पुश्तैनी जमीन को भू राजस्व रिकॉर्ड में प्रशासन के कारिंदों ने शासकीय भूमि के रूप में दर्ज कर दिया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। किसान पिछले एक साल से अधिक समय से जमीन पर अपना अधिपत्य पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। भू राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा की गई अव्वल दर्जे की लापरवाही की वजह से किसानों को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारी पहले जमीन थी जी पुरखों की, बराबर चली आई। हाँ, बंदोबस्त के कारण ये आज से 30 साल पहले भाव था बंदोबस्त। हाँ, तो उससे आगे देखी तो बांध देखी पकड़ी तो 2 साल से बराबर कचहरे के नकल काड़ी वो नकल काड़ी और करो पैसा खर्च करो। किसी ने आज तक हमारी सुनी नहीं। पहले पे करी तहसील में पटवारी गिरदा वाले पे हमने ये कहा हमारी सास की काटो। मैंने कही सास की जिंदा नहीं कटेगी कि एफपीओ काटेंगे बे काटेंगे तो हम काटेंगे। इन्हें मैंने मना कर दिया। सर हमारी भूमि बहुत पुरानी लेकिन मैं निकलवाने गया सास की लिख दी गई है वो वहाँ पे। मैंने भिंड में कचहरी में निकलवाया है और वैसे भी निकलवाया है, मैंने सब खसरा खदौनी निकलवाई। पुराने में रिकॉर्ड सही निकल रहा है लेकिन जो अब नया है उसमें शासकीय लिख के आ रहा है और नाम भी आ रहा है। साल पहले से मैं चक्कर लगा रहा हूँ, कचहरी के भी लगा रहा हूँ और पटवारी के पास भी गया, सबके पास गया। वो बोल देते हैं कि मेरा काम नहीं है, ये पुराना नेट से गड़बड़ हो गया है। फिर ये योजना चल रही इसलिए गए थे कोई योजना मिल जाए, लेकिन उसमें पता चला कि शासकीय लेगी कोई योजना का लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। जब हमने किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म चल रहे थे तो वो फॉर्म भरने के लिए यहाँ से हम 2 साल 1 साल पहले गए। हाँ। तो वहाँ जाके देखा उन्होंने बोला शासकीय जमीन तुम्हारी हो गई, तुम्हारा इसमें क्या है जाके। और जब हमारी किताब बनवा के पटवारी ने दे दी है, सब दे दी है और पहले से भी जमीन हमारी है, अब बाद में कहते हैं तुम्हारी जमीन शासकीय हो गई है। और हमने करीबन 5,000 रुपये 10,000 रुपये खर्च भी कर दिए है जाके और फिर भी कोई सुनाई नहीं हुई। पटवारी जी से की तहसीलदार से की एडीएम साहब से भी हमारे एक किसान सम्मान निधि योजना के पे फार्म आ रहे थे तो फार्म भरने गए जाके तो उसमें जाके देखा तुम्हारी जमीन शासकीय है जाके। तो उसके बाद में पूरे गांव ने जाके देखा तो 58 नंबर पूरे गांव के हैं, तो 58 नंबर सब शासकीय सब शासकीय नंबर कर दिए है। आपका नाम क्या लगते हैं? हैरानी की बात तो ये है कि प्रशासनिक स्तर पर की गई इस गड़बड़ी पर पटवारी, राजस्व निरीक्षक, नायाब तहसीलदार, तहसीलदार से लेकर भू अभिलेख अधीक्षक तक ने गौर नहीं किया। परेशान किसान तहसील कार्यालय के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं लेकिन उन्हें सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। मामला मीडिया में उजागर होने के बाद कलेक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने 7 दिन में जांच रिपोर्ट मंगवाकर समस्या का समाधान करने और दोषियों पर कार्यवाही करने की बात कही है। जैसे कि आपने बताया और इसमें जो है लोगों ने ज्ञापन भी दिया है जी। इस संदर्भ में एडीएम साहब से एडीएम को मैंने कहा तहसीलदार को कि 7 दिन में इसकी रिपोर्ट जाँच करके प्रस्तुत करे, उसको यदि वास्तव में उनकी निजी भूमि होगी तो हम अनुमति 115 में देके उसको वापस लीजिए। कभी प्राकृतिक आपदा की मार तो कभी सरकारी नुमाइंदों की लापरवाही से अन्नदाता पर दोहरी मार पड़ रही है तो वहीं उसको सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं। किसी की गलती की सजा कोई और भुगत रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भिंड।